पिछले एपिसोड में आपने देखा कुशल मेहुल की ट्री पहेली सॉल्व करके मेहुल को बचा लेता है और वहां धमाका सिंह जेल तोड़ के भाग जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जेल से भागना बहुत मुश्किल था, तो फिर धमाका सिंह ने जेल तोड़ा कैसे? जेल की दीवार पे कुछ बलून्स बने हुए थे, उन्हें क्रैक करना इतना आसान नहीं था। धमाका सिंह ने ये कैसे किया? क्या आप बता सकते हैं जेल तोड़ने का कोड क्या होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 2 देखें। दो ऑरेंज बलून का वैल्यू 8 है, मतलब एक ऑरेंज बलून का वैल्यू हो जाएगा 4। अब ऑरेंज बलून के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालें, तो ब्लू बलून हो जाएगा 5-4, मतलब 1। अब ब्लू बलून की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालें, तो रेड बलून का वैल्यू हो जाएगा 10-1, मतलब 9। रेड बलून 9 हो गया, ऑरेंज बलून 4 हो गया और ब्लू बलून 1 हो गया। जैसे ही 941 कोड धमाका सिंह ने डाला, एक धमाका हुआ और जेल टूट गया। धमाका सिंह जब भी पहेली सॉल्व करता है तो दुनिया में कहीं एक धमाका होता है। धमाका सिंह जेल से भाग जाता है और सीधे गोगो के अड्डे पहुंचता है। अब गोगो के अड्डे में बिना पहेली के तो अंदर जा नहीं सकते, वो बाहर खड़ा होकर ध्यान से देखता है। सिक्योरिटी बोलता है 2, तो आदमी बोलता है 8, तो उसे सिक्योरिटी अंदर जाने देता है। अगला आदमी आता है तो सिक्योरिटी बोलता है 3, तो आदमी बोलता है 18, उसे भी जाने देता है। फिर सिक्योरिटी बोलता है 4, तो आदमी बोलता है 32। फिर सिक्योरिटी बोलता है 5, तो आदमी बोलता है 50। फिर धमाका सिंह आगे जाता है तो सिक्योरिटी बोलता है 6। तो आप बताएं धमाका सिंह क्या बोलेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। धमाका सिंह ने बोला 72 और सिक्योरिटी ने उसे अंदर जाने दिया, बट कैसे? ध्यान से देखिए, पहला नंबर है 2×4=8, दूसरा 3×6=18, तीसरा है 4×8 और पांचवा है 5×10=50। मल्टीप्लाई वाला नंबर पहले नंबर का डबल है, तो जब सिक्योरिटी ने बोला 6 तो उसका डबल मतलब 12, तो कोड हो जाएगा 6×12, मतलब 72। धमाका सिंह अंदर जाता है और जग्गा और गोगो से मिलता है। अब एक तरफ है धमाका सिंह, जग्गा और गोगो, और दूसरी तरफ है कुशल और मेहुल। उनके बीच पहेली का मुकाबला शुरू हो जाता है। जग्गा पहली पहेली से कुशल पे आक्रमण करता है। बताओ कुशल, अगर एक चॉकलेट 3 रुपए की आती है और 3 चॉकलेट का रैपर रिटर्न करने पे 1 चॉकलेट और मिल जाती है, तो अगर मेरे पास 15 रुपए है तो मैं कितनी चॉकलेट ले सकता हूँ? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 7। पहले आप 15 रुपए से 5 चॉकलेट ले सकते हैं। अब इन 5 चॉकलेट से 5 रैपर और निकलेंगे। उनमें से 3 रैपर से मैंने एक और चॉकलेट ले ली, तो 6 चॉकलेट हो गई। अब उस चॉकलेट के रैपर को मैं पहले वाले 2 रैपर से मिला दूंगा, तो मेरे पास वापस 3 रैपर हो गए और उससे एक और चॉकलेट आ जाएगी, तो टोटल 7 चॉकलेट हो गई। कुशल ने थोड़ा सोचा और तुरंत इसका आंसर दे दिया, टोटल 7 चॉकलेट ले सकते हैं। और जग्गा के पहले आक्रमण को कुशल ने रोक दिया। मेहुल अब पहेली के साथ गोगो पे आक्रमण करता है। मेहुल बोला, गोगो ये पहेली सॉल्व करके बताओ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और बताए इस पिक्चर का करेक्ट शैडो कौन सा है, A, B, C या D? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है
बी। गोगो ने यह पहेली बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया और बोला बी, और मेहुल के आक्रमण को रोक दिया। अब गोगो ने मेहुल पे अपनी सबसे ताकतवर पहेली से आक्रमण किया। क्या मेहुल ये पहेली सॉल्व कर पाएगा, चलिए देखते हैं। एक ओल्ड आदमी की मृत्यु पास आ जाती है, उसकी तीन लड़कियां रहती है। यमराज उस ओल्ड आदमी को लेने आ जाता है। उसकी हालत देख के वो तीनों लड़कियों को बोलता है, एक एक इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूँगा, लेकिन उन इच्छाओं में मैं तुम्हारे पापा को जीवन दान नहीं दे सकता। पहली लड़की बोलती है, ठीक है बट एटलीस्ट मेरे पापा को 2 साल की लाइफ और दे दो। 2 साल बाद यमराज वापस आता है तो दूसरी लड़की बोलती है, बस 1 साल मेरे पापा को और दे दो। यमराज फिर 1 साल बाद वापस आता है तो तीसरी लड़की बोलती है, ये कैंडल जल रही है, इसके पूरे पिघलते से आप मेरे पापा को लेके चले जाना। यमराज उसकी बात मान लेता है लेकिन खाली हाथ वापस जाता है। क्यों? क्या आप बता सकते हैं लड़की ने ऐसा क्या किया? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि तीसरी लड़की ने कैंडल बुझा दी थी तो कैंडल कभी पिघलेगी नहीं, इसीलिए यमराज वापस चला गया। ये क्या, मेहुल इस पहेली का आंसर नहीं कर पाया। तीर मेहुल को उठाता है और एक हवेली में रिया के पास ले जाके फेंक देता है। अब कुशल अकेला रह गया और सामने है गोगो, जग्गा और धमाका सिंह। कुशल सोचता है और एक खतरनाक पहेली से वार करता है। जग्गा, अब तुम इस पहेली से नहीं बच सकते, बताओ। निधि को शक होता है कि उसका हस्बैंड गणेश उसको चीट कर रहा है, तो वो एक प्लान बनाती है उसको पकड़ने के लिए। गणेश एक बार अपने बॉस के साथ फिशिंग ट्रिप का प्लान बनाता है और निधि को बोलता है, क्या तुम मेरा बैग पैक कर दो कि 1 वीक के लिए, और मेरा फिशिंग बॉक्स भी रख देना, एंड हाँ मेरी फेवरेट ब्लू पैंट जरूर रखना, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा बॉस के साथ फिशिंग के लिए। निधि उसका बैग और फिशिंग बॉक्स रेडी कर देती है और उसकी ब्लू पैंट भी रख देती है और गणेश निकल जाता है फिशिंग के लिए। अगले हफ्ते जब गणेश वापस आता है तो निधि उससे पूछती है, और कितने फिशेस पकड़े तुमने? गणेश बोलता है, बहुत सारे, इस बार तो 3-4 नए टाइप्स के फिश भी मिले हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने तुमको बोला था मेरी ब्लू पैंट रखते, फिर तुमने वो क्यों नहीं रखा? गणेश जैसे ही ये क्वेश्चन पूछता है, निधि को समझ जाता है कि गणेश उसको चीट कर रहा है। कैसे? निधि को कैसे समझता है ये? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। निधि ने स्मार्टली उसका ब्लू पैंट उसके फिशिंग बॉक्स में रख दिया था। गणेश को ब्लू पैंट नहीं दिखा, मतलब उसने अपना फिशिंग बॉक्स खोला ही नहीं, मतलब वो झूठ बोल रहा था कि वो फिशिंग के लिए गया है। जग्गा इसका आंसर नहीं कर पाया। तीर जग्गा को उठाता है और सीधे भूतों की दुनिया में ले जाके फेंक देता है। कुशल की पहेली चल गई। धमाका सिंह गुस्से में आ जाता है और अगली पहेली से कुशल पे वार करता है। बता कुशल, 4-5 बार एक मंथ में आऊं, अवसर में आराम का लाऊं, बताओ मैं क्या हूँ? कुशल ने थोड़ा सोचा और फटाक से इसका आंसर दे दिया। कुशल बोला संडे, और धमाका सिंह का वार खाली गया। कुशल अगली पहेली से गोगो पे आक्रमण करता है। बताओ गोगो, 10 लोग एक रूम में सर्कल में खड़े हैं और एक एप्पल है, तो सोचो और बताओ एप्पल को कहाँ रख सकते हैं कि एप्पल 9 लोगों को दिखेगा पर एक को नहीं दिखेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। सिंपल है, कोई भी एक के सर पे रख दीजिए तो बाकियों को एप्पल दिखेगा और जिसके सर पे है उसको एप्पल नहीं दिखेगा। गोगो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देता है। कुशल समझ जाता है गोगो को हराना इतना आसान नहीं है, गोगो ऐसे नहीं हारेगा, और वहाँ से धमाका सिंह कुशल पे अगला पहली तीर छोड़ता है। क्या कुशल इसका आंसर दे पाएगा? कल रात एक चोरी हुई, 3 लोगों पे शक गया, पिग, टॉर्टोइस और बैट। ध्यान से सब देखा गया तो समझा, एक रेडियो, एक टूथब्रश
और एक फ्लैशलाइट चोरी हुई है। क्या आप ये तीनों चीज को देख के बता सकते हैं चोर कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बैट को फ्लैशलाइट की जरूरत नहीं है, मतलब वो चोर नहीं है। टॉर्टोइस को ब्रश की जरूरत नहीं है, मतलब वो भी चोर नहीं है, मतलब चोर पिग है। कुशल ने सोचा और बड़ी आसानी से इसका आंसर दे दिया। कुशल ने इस बार गोगो पे नहीं धमाका सिंह पे अगला पहली तीर चलाया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं क्या सही तरीका होगा फेंच के उस पार देखने के लिए। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे लंबे वाले को बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो वो अपना बॉक्स छोटे वाले को दे सकता है। बीच वाले को बस एक बॉक्स की जरूरत है, तो वो अपना वाला एक बॉक्स छोटे वाले को दे सकता है। तो छोटे वाले के पास दो बॉक्स हो जाएंगे और दो बॉक्स की मदद से वो फ्रेंच के उस पर आराम से देख सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ये। इस पहेली का आंसर धमाका सिंह नहीं कर पाया और तीर ने धमाका सिंह को उठा के मारियो वर्ल्ड में फेंक दिया। अब बच गए हैं गोगो और कुशल। क्या होगा दोनों के बीच? कौन जीतेगा ये मुकाबला? देखते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप मिस ना करें इसलिए हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।